तो दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 5G स्मार्टफोन जो आपको दिसंबर के महीने में दोस्तों आपको लॉन्च होने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहल परियार, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सोहल परियार MGT में। लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला इनकमिंग स्मार्टफोन है वो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Note 10 Pro। उसे काफ़ी अच्छा, और Xiaomi ने सस्ते रेंज में अपना Note 10 Pro सीरीज लॉन्च किए। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 765G का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिल जाता है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल्स के लिए और 5 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। और सामने के बारे में बात करूँ, आपको फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्राइस के बारे में बात करूँ, ये आपको 218,999 का दोस्तों इसकी प्राइस है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको 5 दिसंबर को अपने इंडिया में दोस्तों लॉन्च हो जाएगा। सेकंड नंबर का जो हमारा 5G स्मार्टफोन आता है वो आता है रेडमी को लेके, रेडमी X7 Pro। काफ़ी अच्छा दोस्तों, Redmi ने भी अपना सस्ते रेंज में दोस्तों फोन से निकाला है। इसमें आपको MediTek Dimensity 100 Plus का दोस्तों प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल के आपको वाइड एंगल्स, 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए, 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए, 32 मेगापिक्सल की दोस्तों इसमें आपको साथ में सेल्फी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों रिलीज डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको 25 दिसंबर को अपने इंडिया में दोस्तों रिलीज़ हो जाएगा। प्राइस को लेकर दोस्तों मैं बात करूँ, ये आपको दोस्तों 23,490 दोस्तों इसकी प्राइस है। थर्ड नंबर का दोस्तों जो हमारा 5G स्मार्टफोन आता है वो आता है वन प्लस को लेके, वन प्लस नोट। दोस्तों मैं इसके प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 90 का दोस्तों इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट के बारे में बात करूँ, ये आपको 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्राइस को लेके बात करूँ, ये आपको 228,790 दोस्तों इसकी प्राइस है। रिलीज डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको 10 दिसंबर को अपने इंडिया में दोस्तों लॉन्च हो जाएगा। फोर्थ नंबर का दोस्तों जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है दोस्तों वीवो को लेके, वीवो V20 Pro। दोस्तों ये वीवो V20 Pro काफ़ी अच्छा, और दोस्तों आपको सेल्फी के मामले में आपको बढ़िया फ़ोन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 765 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, और दोस्तों जो पोर्ट्रेचर है जो आपको दो कैमरा और रखते हैं उसके लिए दोस्तों आपको सारा 8 मेगापिक्सल में आपका काम हो जाएगा, 2 मेगापिक्सल आपको अलग से देखने को मिलता है। फ्रंट के बारे में बात करूं, फ्रंट में आपको 44 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल के लिए दोस्तों अलग से आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। रिलीज डेट के बारे में बात करूं, ये आपको दोस्तों 2 दिसंबर को माने आज ही दोस्तों फ़ोन रिलीज़ हो गया है। काफ़ी सस्ता आपको 5G फ़ोन देखने को मिलता है। प्राइस को लेकर बात करूं, ये आपको दोस्तों 29,999 दोस्तों इसकी प्राइस है। का जो हमारा 5G फ़ोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi K30 Ultra। इसमें दोस्तों आपको MediTek Dimensity 100 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 13 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए और 3 मेगापिक्सल आपको माइक्रो के लिए, 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए। प्राइस को लेकर बात करूँ, ये आपको 21,490 इसकी प्राइस है। रिलीज डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको 20 दिसंबर को अपनी इंडिया में दोस्तों रिलीज हो जाएगा। नंबर का दोस्तों जो हमारा 5G फ़ोन आता है वो आता है Xiaomi को लेके, Xiaomi Redmi Note 10। इसमें दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 750G का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, उसके में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए, 2 मेगापिक्सल दोस्तों आपको अलग से कैमरा देखने को मिलता है। रिलीज डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको 5 दिसंबर को दोस्तों अपने इंडिया में रिलीज़ हो जाएगा। और प्राइस को लेकर बात करूँ, ये आपको 16,999 दोस्तों इसकी प्राइस है। दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है वो भी 5G, सारे फ़ोन 5G है, उसमें दोस्तों आपको 5G मिलता है वो भी सस्ते प्राइस में। सेवन नंबर का जो हमारा फ़ोन आता है वो आता है वन प्लस नोट N10 को लेके। इसमें दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 460 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 13 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिल जाता है, प्लस 2 मेगापिक्सल सामने आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये फ़ोन 5G नहीं है, ये फ़ोन दोस्तों 4G है। ये आता है 15,690 और लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको 4 दिसंबर को अपने इंडिया में दोस्तों लॉन्च होएगा। एट नंबर का दोस्तों जो हमारा 5G स्मार्टफोन आता है वो आता है वन प्लस 9 को लेके। इसमें दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्लस इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल्स, 8 मेगापिक्सल आपको माइक्रो डेप्थ सेंसिंग के लिए।
रिलीज डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको दोस्तों 24 दिसंबर को रिलीज़ हो जाएगा। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्राइस को लेके बात करूँ, ये आपको 46,999 दोस्तों इसकी प्राइस है। नंबर का जो हमारा 5G स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi 10X। इसमें आपको MediaTek Dimensity 820 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए। फ्रंट फेसिंग सेल्फी के बारे में बात करूँ, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। रिलीज डेट के बारे में बात करूँ, आपको 29 दिसंबर को दोस्तों रिलीज़ हो जाएगा। प्राइस को लेके बात करूँ, ये आपको 16,990 दोस्तों इसका प्राइस है। दोस्तों जो हमारा 10th और आखिरी 5G फ़ोन आता है दिसंबर के महीने में, वो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi K30। इसमें दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 750G का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल्स के लिए, 2 मेगापिक्सल माइक्रो के लिए, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे की बात करूँ, फ्रंट में आपको 2 मेगापिक्सल का आपको सेटअप देखने को मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। प्राइस को लेके बात करूँ, ये आपको 16,190 दोस्तों इसकी प्राइस है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ, ये आपको 13 दिसंबर को अपने इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो यही थी टॉप 10 इनकमिंग स्मार्टफोन जो दिसंबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपको दो चीज़ें कॉमन दिखती हैं सभी स्मार्टफोन में। सबसे पहले आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको 5G के साथ दोस्तों आता है, ये दोस्तों एक अच्छी बात है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कराया तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सुबल परियार MGT ऑफिशियली, वहाँ पे भी दोस्तों मैं थोड़े बहुत अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद एंड वंदे मातरम।